हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विषय अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट डीके गोयल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14A। आप अपने बुक में अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर आपको क्लियर दिखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 14A आप देख सकते हैं, आपके बुक में होगा तो आप उसको देख सकते हैं। और कैसे सॉल्व किया जा रहा है इस चीज़ को आप केयरफुली देखिए और वैसे ही अपने कॉपी में सॉल्व करिए। ये देखिए, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लिया हमने। दिया है फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक ऑफ राधिका ट्रेडर्स। तो आप जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ राधिका ट्रेडर्स लिखेंगे, राधिका ट्रेडर्स। ये लिखेंगे, इसमें एसेट्स दिया है, कैश 8000, कैश एट बैंक 7000, स्टॉक 30000, डेप्टर्स 36000। डेप्टर्स में क्या क्या है? डेप्टर्स 36000, मोहन का 10000, सोहन का 12000, दिनेश का 14000। ये इतने टोटल डेप्टर्स है। फर्नीचर 5000, बिल्डिंग 25000, ठीक है। क्रेडिटर्स इसमें नहीं दिया हुआ है, सारे एसेट्स ही है, तो आप सारे को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहां पर अप्रैल, ये जो बैलेंसेज है फर्स्ट अप्रैल का है, फर्स्ट अप्रैल को आप ये एंट्री करेंगे। लिखेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक के बाद से क्या है? डेप्टर्स है, तो डेप्टर्स टोटल 36000 का है, तो इसका नेम लिखना पड़ेगा आपको, मोहन डेबिट। और कौन है? सोहन और दिनेश है, सोहन डेबिट, दिनेश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखेंगे आप। अब कैश देखिए कितना है, कैश 8000 है, बैंक में 7000 है, स्टॉक में 30000 है, और मोहन का 10000 डेप्टर्स है, ये 12000 सोहन का है, और दिनेश का 14000 है। सबको ऐड कर लेंगे तो ये देखिए 36000, ये 30000, 66000, 66000 और 7000, 73000 और 8000, 81000 टोटल आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर ऑफ बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ये इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस की एंट्री है ये। अब आप इसके बाद एक मिनट, देखिए इसमें जहां एसेट दिए गए हैं वहीं लायबिलिटी भी दिया गया है। क्रेडिटर्स 5000 है और वाई 6000 है क्रेडिटर्स, तो आप लिखेंगे 2x, 2y, ये क्रेडिटर्स हैं।
तो अब देखिए इसमें एक्स कितना है, 5000 है, और वाई 6000 का क्रेडिटर्स है, और कोई लायबिलिटी नहीं है। तो अब इसका टोटल 81000 किए थे, उसमें से आप 6000 क्या करेंगे, 11000 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 70000। ये आपका क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है ना। ये ऐसे आप एंट्री करेंगे, ये ओपनिंग लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर ऑफ ओपनिंग बैलेंस का ये एंट्री है। अब इसके बाद आप अप्रैल 2 की एंट्री करेंगे, कर आई बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 6000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% एट द सेम टाइम। 40% तुरंत पेड किया जा रहा है, 6000 का लिस्ट प्राइस है, उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो 6000 का आप क्या निकालेंगे, 15% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। आपका 15 6 90 900 ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि जो प्राइस होगा वो 6000 माइनस 900 इक्वल टू 5100 होगा। अब इसी का 40% वो पेड कर रहा है कैश, जिस पर 2% डिस्काउंट होगा, तो 5100 मल्टीप्लाई 40/100 0 4 1 4 4 5 20, यानी 2040 रुपीज वो इमीडिएटली पेड कर रहा है। अब इसमें इसी पर आप 2% कर रहा है, उसमें कैश डिस्काउंट है, तो इसी का मल्टीप्लाई आप करेंगे 2/100, ठीक है। जीरो 2 4 8 200 2 2 4, यानी कि 40.8 रुपीज है, यानी कि 40.8 है, तो इसको आप 40 रुपीज ही लेंगे आप, ठीक है, ताकि आपके जनरल एंट्री में बैलेंस में कोई कमी ना हो। इसलिए अब इसका देखिए एंट्री साफ हो गया, 40% इमीडिएटली वो पेड किया है, यानी कि 2040 रुपीज, तो 5100 में से आप 2040 आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 0 6 0 3 3060 आप बाद में पेमेंट करना है। तो परचेज किया जाए तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू खन्ना ब्रदर्स, इतनी एंट्री होगी। तो परचेज कितने का हुआ, 5100 का ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद से। इसमें से बैंक अकाउंट में पेमेंट किया जा रहा है कितना, 2040 है, इस पर आपका 40 रुपीज क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, इसी पर आपका 40 रुपीज क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि 2000 आप कैश पेड किए हैं, डिस्काउंट आपका 40 रुपीज है, ठीक है, और टोटल बैलेंस अभी भी कितना है, 3060 रुपीज। ये आपका, सॉरी इसको आप इधर करेंगे, 2000 कैश पेड किया गया, 40 रुपीज डिस्काउंट है, और बैलेंस कितना है, 3060। ये आपका ऐसे एंट्री करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे नरेशन में बीइंग परचेज
गुड्स फ्रॉम, डिटेल लिख लेंगे, फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स एट 15% ट्रेड डिस्काउंट और अदर 2% कैश डिस्काउंट, 40% अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक, ऐसे आप लिख लेंगे। अब नेक्स्ट आपका अप्रैल 3 की एंट्री आपकी स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अप्रैल 3 में रिसीव्ड ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 9750 का ड्राफ्ट रिसीव किया जा रहा है, किससे? मोहन से। तो यहाँ पे देखिए मोहन 10,000 का डेप्टर्स था, उससे रिसीव किया जा रहा है 9750, यानी 250 क्या है डिस्काउंट अलाउड है। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 3, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9750, फिर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 टू मोहन 10,000 का डेप्टर्स था। देखिए यहाँ पे मोहन कितने का है, 10,000 का डेप्टर्स है, लिखेंगे बीइंग ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट अप्रैल 3 की आपकी एंट्री हो गई। अब अप्रैल 5 में कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक। इसमें कैश डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 8,000 का 20% निकाल लेंगे, सिक्सटीन हंड्रेड 8,000 में से माइनस करेंगे तो 6,400 आएगा। तो कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश 8,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट पेड बाय चेक। तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट कितना 6,400 टू चेक से पेमेंट किया जा रहा है, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 6,400, लिखेंगे नरेशन बीइंग परचेज गुड्स एंड पेड बाय परचेज गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड बाय चेक। अब है अप्रैल 8 का ट्रांजैक्शन। अप्रैल 8 में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड ए चेक कितने का, सोल्ड गुड्स रिसीव्ड ए चेक 25,000 का, ठीक। तो आप उतने ही से एंट्री करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000, लिखेंगे सोल्ड
goods and received a check. ये नरेशन हो गया अप्रैल 8 के ट्रांजेक्शन का नरेशन हो गया. अब है अप्रैल 10 में डिपॉजिटेड द एबव चेक इनटू बैंक. अप्रैल 10 को लिखेंगे अप्रैल 10 लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट. ठीक, ये वही चेक अमाउंट है 25,000 का. यही अमाउंट आप क्या करेंगे, डाल देंगे इसमें, अलग से अमाउंट नहीं लेना है. लिखेंगे डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ठीक, अब नेक्स्ट है सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट. देखिए सोहन यहां पे डेप्टर्स है, आपके बैंक अकाउंट में सीधे वो क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है. तो हमेशा जब डेप्टर्स डिपॉजिट करे तो उसके नेम से एंट्री किया जाता है. तो इसके बाद से आगे के एंट्री अब देखिए नेक्स्ट है अप्रैल 12 का ट्रांजैक्शन. अप्रैल 12 का ट्रांजेक्शन है, कह रहा कि सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट. तो लिखेंगे, सीधे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन. देखिए यहां पर अमाउंट नहीं लिख, अमाउंट कह रहा कि 12, यहां पे अमाउंट नहीं दिया हुआ है. क्यों, क्योंकि यहां पे सोहन का 12,000 पहले से, उसी से आप एंट्री कर देंगे. लिखेंगे बीइंग डिपॉजिटेड बाय सोहन. नेक्स्ट कर रहा अप्रैल 16 का पेड इनकम टैक्स बाय चेक 4,000. ध्यान दीजिए इनकम टैक्स कभी भी पेड किया जाएगा तो वो ड्रॉइंग होगा. अप्रैल 16 लिखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू किसके द्वारा पेड किया जा रहा है, चेक के द्वारा. लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 4,000. पेड इनकम टैक्स बाय चेक. नेक्स्ट है रिसीव ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक. रिसीव ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक. कितने का है, 7,800. देखिए इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन ये 4,000 है, ये 4,000 है,
क्योंकि लाइन से अमाउंट में डिस्टर्ब है। तो अब यहाँ पर जो ड्राइंग होगा ये 5600 का इनकम टैक्स का होगा, 5600 का। अब जो एंट्री करेंगे, जो स्कोर है कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक 7800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। देखिए 4000 यहाँ पे किया है और 12000 टोटल सोहन का था, 4000 यहाँ पे किया और 8000 यहाँ पे हो गया। तब लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब देखिए बैंक अकाउंट में कितना का चेक है, 7800 का, 200 डिस्काउंट हो गया। टोटल सोहन से कितना रिसीव करना था, 8000 रिसीव करना था, क्योंकि 4000 यहाँ पे रिसीव हो चुका था। यह है अप्रैल 20 का ट्रांजेक्शन है। लिखेंगे रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये एंट्री आपका अप्रैल 20 का हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 21 का है, कर अ विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2000, फॉर प्राइवेट यूज 4000। तो प्राइवेट यूज ड्राइंग हो जाएगा और ऑफिस यूज को ड्राइंग नहीं कहेंगे। तब देखिए यहां पर लिखेंगे अप्रैल 21 लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किससे निकाला गया है पैसा, बैंक से निकाला गया, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो ऑफिस यूज जितना रहेगा वो आप कैश में डालेंगे 2000, और 4000 पर्सनल यूज का इसको आप ड्राइंग में डालेंगे। टोटल कितना हो गया, 6000। लिखेंगे बीइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज आप यहाँ पे लिखें। अब आपका कहाँ तक ट्रांजेक्शन हो गया, 21 तक का। अब 23 से 30 आपको ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 23 का, सेंट ए चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4900। यहाँ पे देखिए एक्स क्रेडिटर्स है, 5000 पेड करना था, जिसमें से 4900 उसका उसको क्या किया जा रहा है, चेक दिया जा रहा है। तो अप्रैल 23 लिखेंगे एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एक्स को पेड करना था 5000, लेकिन चेक दिया गया 4900 का, यानी कि 100 क्या होगा, डिस्काउंट। लिखेंगे बीइंग
पेट 2x by check. अब है अप्रैल 27, चेक ऑफ सोहन रिटर्न्ड बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड. जो सोहन का चेक था वो रिटर्न हो गया है. अप्रैल 27, देखिए यहाँ पे सोहन का, देखिए सोहन का चेक यहाँ पे था. रिसीव ए चेक फ्रॉम सोहन 7800 से था. तो आप इसी का क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे. आपने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, तो अब लिखेंगे सोहन अकाउंट डिसऑनर्ड की एंट्री है टू बैंक अकाउंट 7800 से आप एंट्री करेंगे. लिखेंगे बीइंग चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय बैंक. ये डिसऑनर्ड की एंट्री रिवर्स एंट्री हो जाती है. नेक्स्ट है अप्रैल 28 का. अप्रैल बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा. अप्रैल 28 ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14A डीके गोयल, क्वेश्चन नंबर 14A फ्रॉम डीके गोयल. डीके गोयल का क्वेश्चन है ये. क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप लोग बुक में जरूर देख लीजिएगा. अप्रैल 28 का ट्रांजेक्शन करा है. दिनेश वाज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट एंड ए पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन रिसीव्ड फ्रॉम हिज ई स्टेट बाई चेक. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिनेश कितना था, 14,000 करे, 1 रुपये में 60 पैसे, 1 रुपीज में 60 पैसे ही उससे रिसीव हो पाए हैं. यानी कि 1 रुपीज में 60 पैसे यानी 14,000 में कितने पैसे रिसीव होंगे उसी से आप एंट्री करेंगे. तो 14,000 मल्टीप्लाई 0.60 कर लेंगे. ठीक है ना, 0600 6004 6 4 6 2 8. कितने नंबर के पहले डेसिमल है, 2 नंबर के. यानी कि कितना रिसीव हुआ, 8,400 रिसीव हुआ. किससे, दिनेश से. तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे आप बैड डेब्ट्स. चूंकि ये नहीं वसूल हो पाया लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश. अब ध्यान रखिए दिनेश का यहाँ पे, दिनेश का कितना अमाउंट है, 14,000. तो 14,000 टोटल दिनेश से रिसीव होना था, 8,400 कैश रिसीव हो पाया है. यानी कि बैड डेट्स कितना हो गया, आप इसमें से माइनस कर लेंगे तो 8,614 यानी 5,600. ये आपका क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा. लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश 60 पैसे इन ए रुपीज, ऐसे लिखेंगे.
अब नेक्स्ट 30 अप्रैल 30 का ट्रांजेक्शन, अप्रैल 30 में करा है, बैंक अलाउड इंटरेस्ट 350, पेड फॉर रेंट बाय चेक 1500, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक 500। तो बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया है तो 350 का, तो लिखेंगे आप पहले एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना इंटरेस्ट है 350। देखिए कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं हम। अब देखिए पेड क्या किया जा रहा है, रेंट पेड किया जा रहा है बाई चेक, लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 1500 और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड किया जा रहा है, लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट वो 500 टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो इंटरेस्ट रिसीव 350 है, 350 लिख लेंगे और बाकी का ये 2000 क्या हो जाएगा।